हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे मिसिंग नंबर, यानी मिसिंग नंबर इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसमें चार क्वेश्चन है, फोर क्वेश्चंस हैं, और ये फोर के फोर क्वेश्चंस क्या है कि जो 2018 के अंदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बीबीए और बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सीयूईटी एसएससी एंड ऑदर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्जाम्स में देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपको कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो अगर मिसिंग नंबर आपको निकालना है तो क्या देखेंगे कि इसका सीक्वेंस का क्या पैटर्न चल रहा है, 2, 4, 12, 48 एंड 240। और यहाँ पे आपको दिया गया फिलिप्स, इसमें मिसिंग नंबर है क्या आएगा। तो आप रिलेशन देखो कि आपने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आ गया, 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आ गया 12 को फिर मल्टीप्लाई किया आपने 4, यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, और इसको क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, 5, 8, 40, 5, 4, 20, 24। तो अब रूल क्या कह रहा है कि अब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 0, 0, 6, 4, 24, 6, 2, 12 और 2 क्या जाएगा 14। तो 1440 यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर इन सीक्वेंस, तो आपका काम क्या है कि सबसे पहले आप देखो कि जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या बन रहा है, और उसी पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा ये आपको जानना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, दैट इज 1440 इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर के ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान, अगला क्वेश्चन आपका है कि 10, 5, 13, 10, 16, 20, 19 और ये मिसिंग नंबर। आपको फाइंड करना है कि ये मिसिंग नंबर क्या होगा। फिर आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न देखने के कई तरीके हैं। यहाँ पैटर्न देखो क्या कह रहा है, 10 के बाद आपने देखा 13, यानी एक गैप किया, और 13 के बाद गैप करके क्या है 16, और 16 के गैप के बाद क्या है 9। ये एक सीरीज बन रहा है जिसमें 3-3 ऐड होगा, राइट। तो अगर आपसे तो ये नंबर अब एक को गैप छोड़ेगा तो यहाँ आएगा, लेकिन हमें तो ये नंबर निकालना है। अब दूसरा सीरीज देखो, 5 को 10 आया है, यानी 5 को आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह से 10 का 20 आया, आपने क्या किया 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 20 को भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 40। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे मिसिंग नंबर फाइंड करने में कि दो पैटर्न बनेगा। अब आप उसमें चेक कर लोगे कि आपका जो पैटर्न है वो क्या बनता है। जैसा पैटर्न होगा, जैसे एक को गैप करके बनाया, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 9, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट गैप हुआ, लेकिन अगर ये होता और ये फाइंड करना होता तो हम 19+3 करते, लेकिन यहाँ ये गैप है तो सेकेंड में आओगे, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 40। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है थर्ड, ये क्वेश्चन भी सेम है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 2, 1, 1/2, 1/4। कह रहा है बताओ ये मिसिंग नंबर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 1/3, 1/8, 2/8, 1/6। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपका ट्रिक क्या था कि आप पैटर्न देखो। पैटर्न देखते ही पता चल रहा है कि अगर 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 1 आता है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को अगर डिवाइड करोगे, 1/2 को अगर 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या जानते हो रूल कि 1/2। ऐसे कई क्वेश्चन हमने शॉर्ट में समझा रखे तो वहां देख सकते हो, जब भी डिवाइड होता है तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी 1/2 बन जाएगा, तो क्या आएगा 1/4। यानी 1/2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 1/4 आ जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे कि 1/4 है, 1/4 को भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/2, क्या मिलेगा 1/8।
तो अगर आप 1/4 को 2 से डिवाइड करोगे तो वह क्या मिलेगा 1/8, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/8, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार दोबारा बता रहे ध्यान दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, तो आप देखोगे कि ये सीक्वेंस का पैटर्न क्या बन रहा है। आपने देखा कि 2 को 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 आ गया, 1/2 को 2 से डिवाइड किया तो 1/4 आ रहा है, 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आएगा, तो राइट आंसर क्या आ गया 1/8। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, तुमने 4 क्वेश्चन दिया था, फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे 4 के 4 क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब आपको पैटर्न देखना है, आप देख रहे हैं यहाँ 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, यानी 7 में 1 ऐड किया 8, 8 में 1 ऐड किया 9, तो 9 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी 1 प्लस किया है, यहाँ भी आपने 1 प्लस किया और यहाँ भी 1 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा हमें देखना ही नहीं कि दूसरा तो एक गैप मानना है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, अब 12 के बाद क्या आएगा 30, तो यहाँ 13 है, हमें तो ये गैप्स निकालना था, ये नंबर हमारा निकल गया 10, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 10 आ गया। तो ये था आपका मिसिंग नंबर, आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में, ये आपको अच्छी तरह से मैंने समझा दिया, आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल क्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।